रोकना नहीं चाहिए, मजबूरी है, उससे पहले हम सॉरी बोलते हैं। बहुत सारे लोग ना मटकी चाय। गुड मॉर्निंग, हमरा आज डे टू बोलो तो से बोलो ना। राजधानी बेलूचिस्तान हुआ, द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रम। से नंदा से नालंदा। गुड मॉर्निंग, डे वन आज हमी यहाँ फोर एएम में राजेन्द्र नगर आए थे। हिज हमी एनजेपी बड़ 3:15 थो। आज हम डे टू रहा अब यहाँ बड़ हम 3 आवर्स बोधगया जाना, 3 आवर्स लगे। आज डे टू यहाँ इन एंड अराउंड बोधगया को टोर करते ढुंगेश्वरी केव जाने बाटो। हमें आज बिहान 7 बजे निकलेको। आज डे टू को ट्रिप 5 वटा पॉइंट्स रहे। यहाँ हम आगे छोरा बटुले ढेला पारे।
मटकी चाय यो माजी तो माउंटेन को छो माने मटकी चाय को यासे अब हामी अहिले विश्व शान्ति स्तूप र जागे फुम्पोको पॉइंट दुईटा छ यो घुम्न लागि कालो जान्दै छु आज हाम्रो डे 2 भाइ अगाडि हजुरसँग जान्दै छ अहिले हामी रोपवेको लागि टिकट काउन्टरमा आएको छु यहाँ टिकट लिएर चाहिँ उकालो जानुपर्ने छ टिकट चाहिँ तपाईँको 8-seaterमा 120 त्यहाँदेखि सिङ्गल खालकोमा चाहिँ 100 rupees तिरेर जानुपर्छ रहेछ बाटो हेर्दा यो उकालो चाहिँ हाम्रो विश्व शान्ति स्तूपको बाटो आयो म तपाईँको विश्व शान्ति स्तूप चलो उधर से आओ घूम के भैया एक फोटो खींचेगा विश्व शान्ति स्तूप घुमिसकेर चाहिँ यो ओह्रालो हाम्रो बुद्धिस्टको छागे फुङ्पो अनि हिन्दीमा भन्नुपर्दा चाहिँ गेद्रोकोट त्योपट्टि जाँदैछु अघि आउँदा हामी रोपेमा आयो र अहिले उँदो चाहिँ हिँड्दै जाँदैछु भाइ अगाडि आजले बोकेर हिँड्दैछ राजधानी बेलुचिस्तान हुआ द्वितीय नालंदा और तृतीय विक्रमशिला जो भागलपुर में है तो नालंदा में दो चाइनीज विद्यार्थी थे फायान और हुइनसंग साहब जब भारत भ्रमण यात्रा किए उनके भारत भ्रमण यात्रा के रिपोर्ट पर यहाँ की खुदाई जो है 1905 में लॉर्ड गनिंगहम और मार्शल साहब ने करवाए तो दो उपाय मिले अब उसने पूर्वी था दो तल्ले का प्राचीन बौद्ध विहार मिला बौद्ध मंदिर सात कदम चले सात कमल का फूल हुआ था तो कमल फूल का तो फूल बहुत बनता है आज
भागवत के माँ का नाम था महामाया। उन्होंने स्वप्न देखी कि छह नोक वाला तारा और छह दांत वाला सफेद हाथी पेट में प्रवेश कर चुका है। तो हाथी का चिन्ह भी बहुत धर्म का प्रतीक है। और सिंह का चिन्ह भगवान बुद्ध थे, ये शक डायनेस्टी के थे, शक वंश के थे, इसलिए उनके नीचे में सिंह का भी चिन्ह पाया जाता है। बोधि वृक्ष के नीचे में ज्ञान प्राप्ति हुआ था, ये बोधि वृक्ष का चित्रण है। स्पष्टतः भगवान बुद्ध का प्रतिमा है। मुस्लिम पेट में बख्तियार खिलजी ने नष्ट किया। उस समय मगध का प्राचीन नाम था गिरी ब्रज, तो गिरी का तो मैंने पहाड़ बताया और ब्रज का हुआ वासी हूँ। तो भगवान बुद्ध के समय में इसी पाद पहाड़ के भीतर मैं एक बातें बोलूंगा, बोलना नहीं चाहिए, मजबूरी है, उससे पहले हम सॉरी बोलते हैं। बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं लेकिन नालंदा का मीनिंग से नहीं पता होता है। इस वर्ड के लिए मैं सॉरी बोल दिया था पहले से, क्योंकि मैं कभी यह नहीं सोचता हूं कि मैं सबसे ज्यादा जानकार हूं। देख रहे हैं ये जिसका कि नेक में बुक में फोटो मिलता है। अभी जस्ट मैं बताया था ना बाहर में, तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये पूरा हो गया टेम्पल। टेम्पल में दो वर्ड मिले हैं, अस्तूपा वर्ड और चैत्याज वर्ड। तो चैत्याज क्या होता है, अस्तूपा क्या होता है, मैं लास्ट में वहाँ पे क्लियर करूँगा। ओके, और आइए आपको एक मोनेस्ट्री घुमाता हूँ बढ़िया से। टोटल मोनेस्ट्री नहीं, आपको एक क्वेश्चन है, ये आपने बताया ये वाला ना जी, ये बताया मैंने। अच्छा, ये वाला वो है, ये तो ये वाला यहाँ पे दिख रहा है अभी? बिल्कुल दिख रहा है, ये जो देख रहे हैं ये है। अच्छा, और ये बड़ा वाला जो देख रहे हैं इस पे थोड़ा सा दूरी से देखिए, मिट्टी दिख रहा होगा ऊंचा पे। अब हामी नालन्दा म्युजियम घुम्न आएको छु र यो चाहिँ आज हाम्रो लास्ट हजुरको नालन्दा म्युजियम घुम्नु त्यस्तै त्यहाँदेखि चाहिँ हामी रुम जाने आजको लागि यति धेरै यो मूर्तिहरू सबै यो नालन्दा युनिभर्सिटीभित्र बोकेर निकालेको हो। Thank you.